फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू भाकर वड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आलू भाकर वड़ी। आलू भाकर वड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 4 से 5 आलू जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसका छिलका निकाल दिया है, 1 चम्मच लिया है अजवाइन, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, आधी चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच लिया है मैंने गर्म मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच लिया है मैंने आमचूर पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। भाकर वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस मैदे में हम डाल देंगे अजवाइन, इसे हल्का सा थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इस तरह से पूरे मैदे में डाल देंगे। फिर नमक डाल देंगे आधी चम्मच, आधा हम स्टफिंग के लिए बचा लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच तेल, और अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा ना ही ज्यादा कड़क होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है, तो इसे अब हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। और जब तक आटा सेट होता है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने आलू को एक बाउल में डाल लिया है, तो इसे हम पोटैटो मैशर की सहायता से इस तरह से मसल लेंगे, मैश कर लेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बड़े आलू के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने सारे मसालों को अच्छे से आलू के अंदर मिला दिया है, तो यही स्टफिंग अब रेडी है आलू भाकर वड़ी बनाने के लिए। इसे हम साइड में रख देंगे। और 15 मिनट हो गए हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो एक बार हम आटे को इस तरह से निकाल के मसल लेंगे, मसल कर चिकना कर लेंगे इस तरह से, और एक लोई तोड़ लेंगे इस तरह से। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम इसे लोई की तरह गोल कर लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं इस तरह से, और सूखे आटे में लपेट कर रोटी की तरह बेल लेंगे। मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है, तो अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी आलू की वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से पूरी रोटी पे फैला देंगे इस तरह से। मैंने पूरी स्टफिंग अच्छी तरह से रोटी पे फैला दी है, तो अब हम इसे रोल करेंगे इस तरह से। हल्के टाइट हाथों से इसे रोल करिए। ये देखिए, इस तरह से इसे रोल करना है। अब हम इसे एक चाकू की सहायता से काट लेंगे। इस साइड के कोनों को आप दबा दीजिए ताकि फिलिंग बाहर ना आए। चाकू की सहायता से इसे काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। मैंने सारी आलू भाकर वड़ी को काट के रख लिया है, तो इन्हें अब हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सारी आलू भाकर वड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी लगा दीजिए ताकि ये खुले नहीं।
इस तरह से, और अच्छे से चिपक जाए। मैंने सारी आलू बकरवड़ी बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने पहले से ही तेल गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें एक एक करके आलू बकरवड़ी डाल देंगे और इन्हें फ्राई होने देंगे। हमें इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। ये आलू बकरवड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इन्हें अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारी आलू बकरवड़ी को फ्राई कर लेंगे हम। मैंने सारी आलू बकरवड़ी फ्राई कर ली है, तो इन्हें अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। कितनी बढ़िया आलू बकरवड़ी बनकर तैयार हुई है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।